Sinbad. सिंधबाद विश्व भर में व्यापार करने यात्रा करता था। उसका जहाज एक द्वीप पर ठहर गया, जहां के सब लोग भोजन करके आराम करते थे। जब वह जाग पड़ा, हाय मेरे भगवान, मेरे साथी कहाँ हैं? जहाज कहाँ है? मुझे इस द्वीप में अकेला छोड़ दिया गया है। वह चलने लगा तो अंधकार हो गया। बारिश होने वाला है क्या? आश्चर्य जब ऊपर की ओर देखा, वह एक बड़ा पक्षी चट्टान है, एक भयंकर और हानि पहुंचाने वाला पक्षी है। पक्षी अपने अंडे पर बैठ गया। मैं अपने वस्त्र से पक्षी के पंख से बांध कर लूंगा, इस द्वीप से बाहर निकल जाऊंगा। पक्षी एक घाटी पर पहुंचा तो सिंधबाद ने अपने बंधन को खोल दिया। ये ऊंचे पहाड़ है, मैं चढ़ नहीं सकता। ऐसा है मानो मैं एक ड्रैगन के मुंह से निकलकर राक्षस के मुंह पर गिर पड़ा। हीरे, रूबी, सैफायर, एमरल्ड जैसे बहुमूल्य रत्नों से ज्वल्यमान जमीन को देखकर वह चकित हुआ। सिंधबाद वहां से बच जाने की चिंतन में जमीन पर लेट गया और उसको कुछ बात की याद आई। यह व्यापारियों ने मुझको बताया है कि वे कच्चे मांस को नीचे डालेंगे। पक्षी मांस पर जुड़े बहुमूल्य रत्नों को अपने साथ ले जाएगी। व्यापारी उन रत्नों को घोंसलों से एकत्रित कर लेंगे। इस चिंतन से सिंधबाद वहां से बाहर निकले। निकल जाने का एक उपाय सोच पड़ा। सिंधबाद अपने आप को एक मांस पिंड से बांध दिया। पक्षी मांस पिंड को ले जाकर अपने घोंसले में डाल दिया। वहां से बहुत दूर पैदल चलकर सिंधबाद शहर को पहुंचा। सिंधबाद